दोस्तों इस सीजन को लेकर मेरा तो सबसे बड़ा सवाल अभी तक का यही है कि क्या कोई कंटेस्टेंट खुलकर दुश्मनी नहीं कर सकता है किसी से, या फिर यू कह लो कि क्या कोई कंटेस्टेंट जो है इस समय वो खुलकर अपनी बातें नहीं रख सकता है, या फिर जो है वो बता नहीं सकता कि मेरी इससे दुश्मनी है और इसी वजह से मैं इसके जाने से उदास नहीं हूं। क्या इस तरीके की बातें करना अब गुनाह हो गया है? क्या किसी का हंसना, यानी कि खास करके मुनव्वर का, अब शो में हंस भी नहीं सकती क्या भाई, बिग बॉस के घर के अंदर? ये सवाल है जो कि इस समय सोशल मीडिया पर उठाया जा रहा है बहुत अलग ढंग से, और इसको एक अलग वे से प्रेजेंट किया जा रहा है। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पे मुनव्वर है। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि क्या पूरा मुद्दा हुआ है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट कनीश कांदो। आपको बता रहे दोस्तों कि इस समय पूरे के पूरे सोशल मीडिया पर, अगर आपको याद हो, कल चिंटू का एविक्शन हुआ, यानी कि समर्थ जुरेल का एविक्शन हुआ, और उस एविक्शन के बाद बहुत अलग ढंग से, बहुत अलग तरीके से लोगों ने बहुत सारी चीजों को समझा, लेकिन खास करके एक वीडियो मुनव्वर का वायरल हुआ कि गेम में और अंदर से टूटने के बाद तेरे को टनल तक छोड़ के आऊंगा लाला। ये स्टेटमेंट था समर्थ को, और मुनव्वर सबसे आगे खड़े भी थे टनल में, आगे गेट के पास जाके, कि वो समर्थ को छोड़ने आए। लेकिन ये चीज बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे इन द सेंस क्या भाई, कुछ ही लोग हैं जो हेटर्स हैं, जो नापसंद कर रहे हैं और ट्विटर पे दिख रहे हैं वो लोग खास करके, तो उनका ये मानना है कि भाई। और उसके बाद एक उसी क्लिप के साथ साथ मुनव्वर का एक और क्लिप है जहां पे अभिषेक के साथ बात कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, मतलब मेरे को लेके तुम लोगों ने इतना मजा लिया, मेरी पर्सनल लाइफ को लेके इतना मजा लिया, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हंसता हुआ मुनव्वर का फेस है, वो दोनों फोटोज को एक साथ मर्ज करके ये बताया जा रहा है कि भाई दूसरे की तकलीफ पे हंसने में कितना मजा आ रहा है, इनको देख लो। मेरा सबसे बड़ा सवाल तो यही है भाई कि बिग बॉस का घर है और इसको एक गेम पर्सपेक्टिव से देखना सबसे बेहतरीन होगा, क्योंकि अगर किसी शो में मैं एक्स वाई जेड, अगर कोई बिग बॉस के घर के अंदर, अगर कोई उनका दुश्मन है तो है, अगर कोई उनका दोस्त है तो है भाई, अगर किसी के जाने से वो खुश है तो ठीक है, क्योंकि गेम उस मोमेंट पे, उस पड़ाव पे कि जाना है। अगर आप निकल रहे हो तो सबसे ज्यादा रिग्रेट आपको होगा, लेकिन अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको खुश होना चाहिए उस चीज पे कि भाई यार ट्रॉफी के करीब जा रहे हो धीरे धीरे। लेकिन फिलहाल मुनव्वर के हंसने पे भी लोगों को बोलते हैं ना एक आपत्ति हो रही है। इस पर आपकी क्या राय है, मैं जानना चाहूंगा कि आपके व्यूज क्या है इस पर, जरूर बताएगा मैं हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। धन्यवाद।